Escort His Excellency. I have great pleasure in welcoming the Prime Minister of the Republic of India, His Excellency Narendra Modi, and I invite him to address the Assembly. Mr. Prime Minister. माननीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान सैम कुरेशा जी अंडर सेक्रेटरी जनरल श्रीमान गेटू जी विशिष्ट प्रतिनिधिगण और मित्रों सर्वप्रथम मैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के अध्यक्ष चुने जाने पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मैं पहली बार आप सबको संबोधित करने का मेरे लिए अत्यंत सम्मान की बात है। मैं भारतवासियों की आशाओं व अपेक्षाओं से अभिभूत हूं। उसी प्रकार मुझे इस बात का पूरा भान है कि विश्व को 1.25 बिलियन लोगों से क्या अपेक्षाएं हैं। भारत वह देश है जहां मानवता का छठवां हिस्सा आबाद है। भारत ऐसे व्यापक पैमाने पर आर्थिक व सामाजिक बदलाव से गुजर रहा है जिसका उदाहरण इतिहास में दुर्लभ है। प्रत्येक राष्ट्र की विश्व की अवधारणा उसकी सभ्यता व उसकी दार्शनिक परंपरा के आधार पर निरूपित होती है। भारत का चिरंतन विवेक समस्त विश्व को एक कुटुंब के रूप में देखता है और मैं जब ये बात कहता हूं तो मैं साफ करता हूं कि हर देश की अपनी एक फिलॉसफी होती है। मैं आइडियोलॉजी के संबंध में नहीं कह रहा हूं और देश उस फिलॉसफी के प्रेरणा से आगे बढ़ता है। भारत एक देश है जिसकी वेद काल से परंपरा वसुधैव कुटुंबकम की रही है। भारत एक देश है जहां प्रकृति के साथ संवाद, प्रकृति से कभी संघर्ष नहीं, ये भारत के जीवन का हिस्सा है और उसका कारण उस फिलॉसफी के तहत भारत उस जीवन दर्शन के तहत आगे बढ़ता रहा है। प्रत्येक राष्ट्र की विश्व की अवधारणा उसकी सभ्यता व उसकी दार्शनिक परंपरा के आधार पर निरूपित होती है। भारत का चिरंतन विवेक समस्त विश्व को जैसा मैंने कहा वसुधैव कुटुंबकम एक कुटुंब के रूप में देखता है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि विश्व पर्यंत न्याय, जस्टिस, गरिमा, डिग्निटी, अवसर, अपॉर्चुनिटी
एवं समृद्धि प्रॉस्पेरिटी के हक में आवाज उठाता रहा है। अपनी विचारधारा के कारण हमारा मल्टीलेटरलिज्म में दृढ़ विश्वास है। आज यहां खड़े होकर के मैं इस महासभा पर टिकी हुई आशाओं व अपेक्षाओं के प्रति पूर्णतया सजग हूं। जिस पवित्र विश्वास ने हमें एकजुट किया है, मैं उससे अत्यंत प्रभावित हूं। बड़े महान सिद्धांतों और दृष्टिकोण के आधार पर हमने इस संस्था की स्थापना की थी। इस विश्वास के आधार पर कि अगर हमारे भविष्य जुड़े हुए हैं तो शांति और सुरक्षा, मानव अधिकार और वैश्विक आर्थिक विकास के लिए हमें साथ मिलकर काम करना होगा। तब हम 51 देश थे, आज 193 स्वतंत्र देश के झंडे इस बिल्डिंग पर लहरा रहे हैं। हर नया देश इसी विश्वास और उम्मीद के आधार पर यहां प्रवेश करता है। हम पिछले 60 दशकों में बहुत कुछ हासिल कर सके हैं, कई लड़ाइयों को समाप्त किया है, शांति कायम रखी है, कई जगह आर्थिक विकास में मदद की है, गरीब बच्चों के भविष्य को बनाने में मदद दी है, भुखमरी हटाने में योगदान दिया है और इस धरती को बचाने के लिए भी हम सब साथ मिलकर के जुटे हुए हैं। 69 यूएन पीसकीपिंग मिशन में विश्व में ब्लू हेलमेट को शांति के रंग की एक पहचान दी है। आज समस्त विश्व में लोकतंत्र की एक लहर है। अफगानिस्तान में शांतिपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन यह भी दिखलाता है कि अफगान जनता की शांति की कामना हिंसा पर विजय अवश्य पाएगी। नेपाल युद्ध से शांति और लोकतंत्र की ओर आगे बढ़ा है। भूटान के नए लोकतंत्र में एक नई ताकत नजर आ रही है। पश्चिम एशिया एवं उत्तर अफ्रीका में लोकतंत्र के पक्ष में आवाज उठाए जाने के प्रयास हो रहे हैं। ट्यूनीशिया की सफलता दिखा रही है कि लोकतंत्र की ये यात्रा संभव है। अफ्रीका में स्थिरता, शांति व प्रगति हेतु एक नई ऊर्जा व जागृति दिखाई दे रही है। हमने एशिया और उसके पूरे अभूतपूर्व समृद्धि का अभ्युदय देखा है, जिसके आधार में शांति एवं स्थिरता की शक्ति समाहित है। अपार संभावनाओं से समृद्ध महादेश लैटिन अमेरिका स्थिरता एवं समृद्धि में साझा प्रयास में एकजुट हो रहा है। यह महादेश विश्व समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ सिद्ध हो सकता है। भारत अपनी प्रगति के लिए एक शांतिपूर्ण और स्थिर अंतर्राष्ट्रीय वातावरण की अपेक्षा करता है। हमारा भविष्य हमारे पड़ोस से जुड़ा हुआ है। इसी कारण मेरी सरकार ने पहले ही दिन से पड़ोसी देशों से मित्रता और सहयोग बढ़ाने पर पूरी प्राथमिकता दी है और पाकिस्तान के प्रति भी मेरी यही नीति है। मैं पाकिस्तान से मित्रता और सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी गंभीरता से
शांतिपूर्ण वातावरण में बिना आतंक के साये के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तान का भी यह दायित्व है कि उपयुक्त वातावरण बनाए और गंभीरता से द्विपक्षीय बातचीत के लिए सामने आए और इस मंच पर बात उठाने से समाधान के प्रयास कितने सफल होंगे इस पर कईयों को शक है। आज हमें बाढ़ से पीड़ित कश्मीर के लोगों को सहायता देने पर ध्यान देना चाहिए, जो हमने भारत में बड़े पैमाने पर आयोजित किया है और इसके लिए सिर्फ भारत में कश्मीर उसी का ख्याल रखने पर हम रुके नहीं है। हमने पाकिस्तान को भी कहा, क्योंकि उस क्षेत्र में भी बाढ़ का असर था, हमने उनको भी कहा कि हम जिस प्रकार से कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों की सेवा कर रहे हैं, हम पाकिस्तान में भी उन बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने के लिए हमने सामने से प्रस्ताव रखा था। हम विकासशील विश्व का हिस्सा है, लेकिन हम अपने सीमित संसाधनों को उन सभी के साथ साझा करने के इच्छुक हैं जिन्हें इनकी नितांत आवश्यकता है। दूसरी ओर आज विश्व बड़े स्तर के तनाव व उथल पुथल की स्थितियों से गुजर रहा है। बड़े युद्ध नहीं हो रहे हैं, परंतु तनाव एवं संघर्ष सब दूर नजर आ रहा है, बहुतेरे हैं। शांति का अभाव है तथा भविष्य के प्रति अनिश्चितता है। आज भी व्यापक रूप से गरीबी फैली हुई है। एक होता हुआ एशिया प्रशांत क्षेत्र, एशिया पैसिफिक रीजन, अभी भी समुद्रवर्ती सुरक्षा, जो कि इसके भविष्य के लिए आधारभूत महत्व रखती है, को लेकर बहुत चिंतित है। यूरोप के सम्मुख नए विभाजन का खतरा मंडरा रहा है। पश्चिम एशिया में विभाजक रेखाएं और आतंकवाद बढ़ रहे हैं। हमारे अपने क्षेत्र में आतंकवाद के अस्थिरताकारी खतरे से जूझना जारी है। हम पिछले 4 दशक से इस संकट को झेल रहे हैं। आतंकवाद नए नए रूप और नाम से प्रकट होता जा रहा है। इसके खतरे से छोटा या बड़ा, उत्तर में हो या दक्षिण में, पूरब में हो या पश्चिम में, कोई भी देश मुक्त नहीं है। मुझे याद है जब मैं 20 साल पहले विश्व के कुछ नेताओं से मिलता था और आतंकवाद की चर्चा करता था, तो उनको ये बात गले नहीं उतरती थी। वो कहते थे तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, लेकिन धीरे धीरे आज पूरा विश्व देख रहा है कि आतंकवाद किस प्रकार के फैलाव करता चला जा रहा है। परंतु क्या हम वाकई इन ताकतों को से निपटने के लिए सम्मिलित रूप से ठोस अंतर्राष्ट्रीय प्रयास कर रहे हैं? और मैं मानता हूं यह सवाल बहुत गंभीर है। आज भी कई देश आतंकवादियों को अपने क्षेत्र में पनाह दे रहे हैं और आतंकवाद को अपनी नीति का उपकरण मानते हैं। और जब गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म ये बातें सुनने को मिलती है, तब तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की हमारी निष्ठाओं पर भी सवाल या निशान खड़े होते हैं। पश्चिम एशिया में आतंकवाद की पाश्विकतापूर्ण वापसी तथा दूर और पास के देशों पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सम्मिलित कार्यवाही का स्वागत करते हैं, परंतु इसमें क्षेत्र के सभी देशों की भागीदारी
और समर्थन अनिवार्य है। अगर हम टेररिज्म से लड़ना चाहते हैं तो क्यों न सबकी भागीदारी हो, क्यों न सबका साथ हो और क्यों न उस बात पर आग्रह किया जाए। समिंद्र सी स्पेस एवं साइबर स्पेस साझा समृद्धि के साथ साथ संघर्ष के रंगमंच बने हैं। जो समंदर हमें जोड़ता था उसी समुंदर से आज टकराव की खबरें शुरू हो रही है। जो स्पेस हमारी सिद्धियों का एक अवसर बनता था, जो साइबर हमें जोड़ता था, आज इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नए संकट नजर आ रहे हैं। उस अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता की जिसके आधार पर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई, जितनी आवश्यकता आज है उतनी इसके पहले कभी नहीं थी। आज हम इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड कहते हैं तो क्या हमारी आपसी एकता बढ़ी है? हमने सोचने की जरूरत है, क्या कारण है कि यूनियन जैसा इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे पास होने के बाद भी अनेक जी समूह बनाते गए हम। आज हम कई जी की बातें करते हैं जिसके नंबर बदलते रहते हैं, कभी G4 होगा, कभी G7 होगा, कभी G20 होगा, हम बदलते रहते हैं। और चाहे या न चाहे हम भी उन समूहों में जुड़े हैं, भारत भी जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या आवश्यकता नहीं है कि हम G1 से आगे बढ़ करके G All की तरफ कदम उठाएं? और जब UN अपने 70 वर्ष मनाने जा रहा है तब ये G All का एटमॉस्फेयर कैसे बने? फिर एक बार यही मंच हमारी समस्याओं के समाधान का अवसर कैसे बने सके, इसकी विश्वसनीयता कैसे बढ़े, इसका सामर्थ्य कैसे बढ़े, तभी जाकर के हम यहां संयुक्त बात करते हैं लेकिन टुकड़ों में बिखर जाते हैं, उससे हम बच सकते हैं। एक तरफ तो हम यह कहते हैं कि हमारी नीतियां परस्पर जुड़ी हुई है, और दूसरी तरफ हम जीरो सम गेम के नजरिए से सोचते हैं। अगर उसे लाभ होता है तो मेरी हानि होती है, कौन किसके लाभ में है, कौन किसके हानि में है, यही मानदंड के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। निराशावादी या आलोचनावादी की तरह कुछ भी नहीं बदलने वाला। एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसके मन में ये रहता है, छोड़ो यार अब कुछ होने वाला नहीं है, हो चुका, अब कुछ होने वाला नहीं है। ये जो निराशावादी और आलोचनावादी माहौल है ये कहना आसान है, परंतु अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारियों से भागने का जोखिम उठा रहे हैं, वो अपने सामूहिक भविष्य को हम खतरे में डाल रहे हैं। आइए हम अपने समय की मांग के अनुरूप अपने आप को ढालें, हम वास्तविक शांति के लिए कार्य करें। कोई भी एक देश या कुछ देशों का एक समूह इस विश्व की धारा को तय नहीं कर सकता। वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी का होना ये समय की मांग है, ये अनिवार्य है। हमें देशों के बीच सार्थक संवाद एवं सहयोग सुनिश्चित करना है। हमारे प्रयासों का प्रारंभ यही संयुक्त राष्ट्र में होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार लाना, इसे अधिक जनतांत्रिक और भागीदारी पारक बनाना हमारे लिए अनिवार्य है। 20वीं सदी की अनिवार्यताओं को प्रतिबिंबित करने वाली संस्थाएं
21वीं सदी में प्रभावी सिद्ध नहीं होंगी। इनके सम्मुख अप्रासंगिक होने का खतरा प्रस्तुत होगा। और मैं आग्रह से कहना चाहता हूं कि पिछली शताब्दी के आवश्यकताओं के अनुसार जिन बातों पर हमने बल दिया, जिन नीति नियमों का निर्धारण किया, 21वीं सदी में विश्व काफी बदल चुका है, बदल रहा है और बदलने की गति भी बड़ी तेज है। ऐसे समय यह अनिवार्य हो जाता है कि हम समय के साथ अपने आप को ढालें, हम परिवर्तन करें, हम नए विचारों पर बल दें। अगर ये हम कर पाएंगे तभी जाकर के हमारा रिलेवेंस रहेगा। हमें अपने सभी मतभेदों को दरकिनार कर आतंकवाद से लड़ने के लिए सम्मिलित अंतर्राष्ट्रीय प्रयास करना चाहिए। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि इस प्रयास के प्रतीक के रूप में आप कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को पारित करें। ये बहुत लंबे अरसे से पेंडिंग मांग है, इस पर बल देने की आवश्यकता है। टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की हमारी ताकत का वो एक परिचय होगा। और इसलिए हमारा देश जो टेररिज्म से इतने संकटों से गुजरा है, उसको हर हमेशा लगता है कि जब तक यूएन इसमें इनिशिएटिव नहीं लेता है और जब तक हम कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को पारित नहीं करते, हम वो विश्वास नहीं दिला सकते हैं। और इसलिए फिर एक बार भारत की तरफ से इस सम्माननीय सभागृह के समक्ष बहुत आग्रहपूर्वक मैं अपनी बात बताना चाहता हूं। हमें आउटर स्पेस और साइबर स्पेस में शांति, स्थिरता एवं व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। हमें मिलजुल करके काम करते हुए यह सुनिश्चित करना है कि सभी देश अंतर्राष्ट्रीय नियमों मानदंडों का पालन करें। हमें यूएन पीसकीपिंग के पुनीत कार्य को पूरी शक्ति प्रदान करनी चाहिए। जो देश अपनी सैन्य टुकड़ियों का योगदान करते हैं, उन्हें निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। निर्णय प्रक्रिया में शामिल करने से उनका हौसला बुलंद होगा, वो बहुत बड़ी मात्रा में त्याग करने को तैयार है, बलिदान देने को तैयार है, अपनी शक्ति और समय खर्च करने को तैयार है। लेकिन अगर हम उन्हें ही निर्णय प्रक्रिया से बाहर रखेंगे तो कब तक हम यूएन पीस कीपिंग फोर्स को प्राणवान बना सकते हैं, ताकतवर बना सकते हैं? इस पर भी गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। आइए हम सार्वभौमिक वैश्विक निःशस्त्रीकरण एवं अप्रसार हेतु अपने प्रयासों में दुगुनी शक्ति लगाएं। अपेक्षाकृत अधिक स्थिर तथा समावेशी विकास हेतु निरंतर प्रयासरत रहें। वैश्वीकरण ने विकास के नए ध्रुवों, नए उद्योगों और रोजगार के नए स्रोतों को जन्म दिया है, लेकिन साथ ही अरबों लोग गरीबी और अभाव के कगार पर जी रहे हैं। कई देश ऐसे हैं जो विश्वव्यापी आर्थिक तूफान के प्रभाव से बड़ी मुश्किल से बच पा रहे हैं, लेकिन इन सब में बदलाव लाना जितना मुमकिन आज लग रहा है, उतना पहले कभी नहीं लगता था। टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ संभव कर दिखाया है। इसे मुहैया करने में होने वाले खर्च में भी काफी कमी आई है। यदि आप सारी दुनिया में फेसबुक और ट्विटर के प्रसार की गति के बारे में, सेलफोन्स के प्रसार की गति के बारे में सोचते हैं, तब आपको भी विश्वास करना चाहिए कि विकास और सशक्तिकरण का प्रयास प्रसार भी
इसी तेज गति से संभव है। जाहिर है, प्रत्येक देश को अपने राष्ट्रीय उपाय करने होंगे। प्रगति व विकास को बल देने हेतु प्रत्येक सरकार को अपनी जिम्मेवारियां निभानी होगी। साथ ही हमारे लिए एक सार्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी की आवश्यकता है। एक स्तर पर इसका अर्थ हुआ नीतियों का बेहतर समन्वय, ताकि हमारे प्रयत्न परस्पर सहयोग को बढ़ावा दे तथा दूसरे को क्षति न पहुंचाए। ये उसकी पहली शर्त है कि दूसरे को क्षति न पहुंचाए। इसका यह भी अर्थ है कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंधों की रचना करते हैं, तो हमें एक दूसरे की चिंताओं व हितों का भी ध्यान रखना चाहिए। जब हम विश्व के अभाव के स्तर के विषय में सोचते हैं, आज बेसिक सैनिटेशन 2.5 बिलियन लोगों की पहुंच के बाहर है। आज 1.3 बिलियन लोगों के को बिजली उपलब्ध नहीं है और आज 1.1 बिलियन लोगों को पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं है। तब स्पष्ट होता है कि अधिक व्यापक व संगठित रूप से अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही करने की प्रबल आवश्यकता है। हम केवल आर्थिक वृद्धि के लिए इंतजार नहीं कर सकते। भारत में मेरे विकास के एजेंडा के सबसे महत्वपूर्ण पहलू इन्हीं मुद्दों पर केंद्रित है और मैं मानता हूं कि हमें पोस्ट 2015 डेवलपमेंट एजेंडा में इन्हीं बातों को केंद्र पर रखना चाहिए और उन पर ध्यान देना चाहिए। रहने लायक तथा संवन ही टिकाऊ सस्टेनेबल विश्व की कामना के साथ हम काम करें। इन मुद्दों पर ढेर सारे विवाद एवं दस्तावेज उपलब्ध हैं, लेकिन हम अपने चारों ओर ऐसी कई चीजें देखते हैं जिनके कारण हमें चिंतित व आगाह हो जाना चाहिए, और ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें देखने से हमें चिंतित होते जा रहे हैं। जंगल, पशु पक्षी, निर्मल नदियां व झीलें और नीला आसमान। मैं तीन बातें कहना चाहूंगा। पहली बात, हमें चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में ईमानदारी बरतनी चाहिए। विश्व समुदाय ने सामूहिक कार्यवाही के सुंदर संतुलन को स्वीकारा है, जिसका स्वरूप कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसे सतत कार्यवाही का आधार बनाना होगा। इसका यह भी अर्थ है कि विकसित देशों को फंडिंग व टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की अपनी प्रतिबद्धता को अवश्य पूरा करना चाहिए। दूसरी बात, राष्ट्रीय कार्यवाही अनिवार्य है। टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ संभव कर दिया है, जैसे नवीनीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी। आवश्यकता है तो सृजनशीलता व प्रतिबद्धता की। भारत अपनी टेक्नोलॉजी व क्षमता को साझा करने के लिए तैयार है, जैसा कि हमने हाल ही में सार्क देशों के लिए एक निशुल्क उपग्रह की घोषणा की है। तीसरी बात, हमें अपनी जीवन शैली को बदलने की आवश्यकता है। जिस ऊर्जा का उपयोग न हुआ हो, वह सबसे साफ ऊर्जा है। इससे आर्थिक नुकसान नहीं होगा, अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिलेगी। हमारे भारतवर्ष में प्रकृति के प्रति आदर भाव
आध्यात्म का अभिन्न अंग है। हम प्रकृति की देन को पवित्र मानते हैं और मैं आज एक और विषय पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, हम होलिस्टिक हेल्थ केयर की बात करते हैं, हम प्रकृति के साथ जुड़ने की बात करते हैं, हम जब बैक टू बेसिक की बात करते हैं, तब मैं उस विषय पर आज विशेष रूप से आपसे एक बात कहना चाहता हूं। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। अंततः हम सब एक ऐतिहासिक क्षण से गुजर रहे हैं। प्रत्येक युग अपनी विशेषताओं को से परिभाषित होता है। प्रत्येक पीढ़ी इस बात से याद की जाती है कि उसने अपनी चुनौतियों का किस प्रकार सामना किया। अब हमारे सम्मुख चुनौतियों के सामने खड़े होने की जिम्मेदारी है। अगले वर्ष हम 70 वर्ष के हो जाएंगे। हमें अपने आप से पूछना होगा कि क्या हम तब तक प्रतीक्षा करें जब हम 80 या 100 के हो जाएं? मैं मानता हूं कि यूएन के लिए अगला साल एक अपॉर्चुनिटी है। जब हम 70 साल की यात्रा के बाद लेखा जोखा लें, कहां से निकले थे, क्यों निकले थे, क्या मकसद था, क्या रास्ता था, कहां पहुंचे, कहां पहुंचना है, 21वीं सदी के कौन से पड़कार हैं, कौन से चैलेंजेस हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए पूरा एक साल व्यापक विचार मंथन हो, हम यूनिवर्सिटीज को जोड़ें, नई जनरेशन को जोड़ें, जो हमारे पिछले कार्यकाल का विगत से मूल्यांकन करें, उसका अध्ययन करें और हमें वो भी अपने विचार दें, हम नई पीढ़ी को हमारी नई यात्रा के लिए कैसे जोड़ सकते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि 70 साल ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अवसर है। इस अवसर का हम उपयोग करें और उस उपयोग कर करके एक नई चेतना के साथ, नई प्राण शक्ति के साथ, नए उमंग और उत्साह के साथ, आपस में नए विश्वास के साथ हम यूएन की यात्रा को एक नया रूप रंग दें। इसलिए मैं समझता हूं कि 70 वर्ष एक हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है। आइए हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार लाने के अपने वादे को निभाएं। ये बात लंबे अरसे से चल रही है, लेकिन उन वादों को निभाने की सामर्थ्य हम खो चुके हैं। और इसमें आज फिर से आग्रह करता हूं कि हम उस विषय में गंभीरता से सोचें। आइए हम अपने पोस्ट 2015 डेवलपमेंट एजेंडा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करें। आइए सन 2015 को हम विश्व के प्रगति प्रवाह को एक नया मोड़ देने के वाले वर्ष के रूप में अविस्मरणीय बनाएं। वर्ष 2015 एक नितान नई यात्रा के प्रस्थान बिंदु के रूप में मानव इतिहास में दर्ज हो और यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। मुझे विश्वास है कि सामूहिक जिम्मेवारी को हम पूरी तरह निभाएंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्ते।
On behalf of the General Assembly, I wish to thank the Prime Minister of the Republic of India for the statement just made, and I request protocol to ask